हेलो देयर, आज का फर्स्ट सेंटेंस है, आपका इरादा क्या है? आपका इरादा क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट आर यू अप टू। व्हाट आर यू अप टू मींस आपका इरादा क्या है, या आप किस चक्कर में हैं, आप किस चक्कर में हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा, या मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज अप टू नो गुड। ही इज अप टू नो गुड उसके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। नेक्स्ट सेंटेंस है, चलो अपनी भड़ास निकाल लो। अपनी भड़ास निकाल लो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे गेट इट ऑफ योर चेस्ट। गेट इट ऑफ योर चेस्ट अपनी भड़ास निकाल लो। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुस्सा थूक दो। गुस्सा थूक दो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्पिट आउट द एंगर, या स्पिट आउट योर एंगर means अपना गुस्सा थूक दो। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, उसकी शक्ल पर मत जाना। उसकी शक्ल पर मत जाना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट जज हिम बाय हिज फेस। डोंट जज हिम बाय हिज फेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, वो अपने मां बाप का लाडला है। वो मां बाप का लाडला है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही इज स्पॉइल्ड बाय हिज पेरेंट्स। ही इज स्पॉइल्ड बाय हिज पेरेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्योंकि वो मां बाप का इकलौता है। क्योंकि वो अपने मां बाप का इकलौता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज He is the only child of his parents. Because he is the only child of his parents. Next sentence है, अपने काम से काम रखो। अपने काम से काम रखो। इसको English में बोलेंगे mind your own business. Mind your own business means don't get involved. नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे मामलात में मत बोलो, या मेरे कामों में मत बोलो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर्स। डोंट इंटरफेयर इन माय पर्सनल मैटर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, सोच समझ कर बात करो। सोच समझ कर बात करो। इसको इंग्लिश में बोलेंगे माइंड योर वर्ड्स। माइंड योर वर्ड्स मींस सोच समझ कर बात करो, या बात करने से पहले सोचो। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे सामने मत आना। मेरे सामने या मेरे रास्ते में मत आना। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गेट इन माई वे। डोंट गेट In my way. जी, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। See you, thank you, and Allah Hafiz.